अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, वेलकम टू इन्फोपैक। इन दिस वीडियो यू विल लर्न सम एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम। लेट्स डिस्कस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड फोर एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम एंड टुडे वी विल कवर एग्जांपल नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल नंबर 5 इज Write an algorithm to display the larger one out of the three given numbers. Means we have three numbers and we have to find which one is larger one. So to start this algorithm, in step 1 we have to write start, and in step 2 we have to take three input numbers, and 0 and 1 and 2. And in step 3, set large to n0. What does it means by set large to n0? Means large एक variable लिया और उसके अंदर n0 को store करवा दिया। क्यों store करवाया? क्योंकि हम उस number को compare करेंगे n1 से after this n2। n0 कब बड़ा होगा? If n0 is greater than n1 or as well as n0 should be greater than n2. n0 को n1 से भी बड़ा होना चाहिए, n2 से भी बड़ा होना चाहिए, फिर n0 लार्ज नंबर होगा। सेम n1 के लिए भी यही कंडीशन होगी। इफ n1 इज ग्रेटर देन n0 और n1 इज ग्रेटर देन n2, देन n1 लार्ज होगा। और सेम कंडीशन n2 के लिए भी फॉलो होगी। अगर n2 n1 और n0 दोनों से बड़ा होगा तो n2 बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने यही कंडीशंस को फॉलो करना है। तो इसलिए स्टेप 3 में क्या किया, सेट लार्ज टू n0। मींस हमने लार्ज के अंदर n0 को स्टोर करवा दिया। लार्ज में अब n0 स्टोर है। नाउ स्टेप 4 इज इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज। अब लार्ज में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, n0 नंबर 0। अब n1 और n0 की कंडीशन को चेक किया जा रहा है। इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, देन सेट लार्ज टू n1, क्योंकि हमने लार्ज में वो वैल्यू स्टोर करवानी है जो दोनों नंबर्स से बड़ी होगी। अगर n1 ग्रेटर हो जाता है लार्ज से तो n0 को ड्रॉप कर देना है और किसको पिक कर लेना है, n1 को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है then there should be no change। हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। सो स्टेप 5 इज, लेकिन अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, n1 ग्रेटर है लार्ज से, तो हमने क्या कर देना है, लार्ज में n1 को स्टोर करवा देना है। इफ कंडीशन इज फॉल्स, देन हमने क्या करना है, स्टेप 5 पे जाना है। इन स्टेप 5 वी हैव टू कंपेयर n2 विद n0। सो लार्ज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, लार्ज के अंदर n0 पड़ा हुआ है, और n2 को अब हम किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंडीशन चेक करेंगे, n2 इज ग्रेटर देन लार्ज। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन क्या करना है, लार्ज इज इक्वल टू n2। हम लार्ज के अंदर n2 को स्टोर करवा देंगे और उसके अंदर जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। एंड आफ्टर दिस इन स्टेप 6 आउटपुट लार्ज, हम क्या करेंगे, हमें लार्ज नंबर मिल जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। एंड इन स्टेप 7 एंड द एल्गोरिदम। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास थ्री गिवन नंबर्स हैं, हमने थ्री गिवन नंबर्स का एल्गोरिदम राइट करना था। उसके लिए हमने स्टार्ट किया स्टेप 2 में, हमने थ्री नंबर्स लिए एज ए इनपुट। स्टेप 3 में हमने क्या किया, तीनों नंबर्स में से एक नंबर को पिक करके n0 को लार्ज में स्टोर करवा दिया, और फिर n0 को बाकी दोनों नंबर्स के साथ कंपेयर करना है कि n0 n1 से ग्रेटर है, अगर नहीं है तो n1 को पिक करेंगे। अगेन हमने n2 को कंपेयर किया, वो लार्ज है या नहीं है, और फिर उसके बाद हमने आउटपुट को डिस्प्ले किया और एल्गोरिदम को एंड कर दिया। लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इज राइट एन एल्गोरिदम टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स। मीन्स स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स अचीव किए हैं उनकी बेस पे स्टूडेंट्स को कुछ ग्रेड असाइन करने हैं, तो हमने उसका एल्गोरिदम राइट करना है। सो स्टेप 1
same like start. In step 2, you have to take input numbers, that is obtained marks or total marks. हमने obtained marks और total marks दोनों values को input करवाना है. Step 3 में हम क्या करेंगे, percentage variable 2, यानी percentage एक variable है जिसके अंदर क्या store होगा, percentage. और percentage find out करने का formula क्या होता है, obtained marks divided by total marks and multiply by 100. अब हम परसेंटेज की बेस पे कुछ ग्रेड असाइन करेंगे और हम वो क्या किस में राइट करेंगे, स्टेप 4 में. इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 तो क्या करो, सेट ग्रेड टू ए प्लस. अगर 80 अबव परसेंटेज आती है तो ए प्लस ग्रेड असाइन किया जाएगा, एल्स क्या किया जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में चला जाएगा. इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो फिर क्या ग्रेड असाइन होना चाहिए, ए. अगर नहीं है ये कंडीशन तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करना है. सेम लाइक इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, अगर 60 से ग्रेटर है तो कौन सा ग्रेड असाइन होगा, सेट ग्रेड टू बी. लेकिन अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 से नहीं है तो फिर कौन सी कंडीशन चेक होगी, 50 वाली. If percentage is greater than 50, then set grade to C. In case no, then if percentage is greater than 40, set grade to D. इन सारी conditions में से कोई भी condition meet करती है तो हम उसका result display करवा देंगे. Right? And the end, step 6, end the algorithm. Let's discuss example number 7. To find the interest on an amount, same like step 1 start, step 2 input numbers, amount, rate, years. In step 3, set plain interest to amount, multiply by rate and divided by 100, and after this multiply by years. In step 4, output plain interest, and in step 5, end. Next example is find even numbers, integers ranging from n1 to n2 where n2 is greater than n1. Why n2 should be greater than n1? Because n1 mein starting value hogi, n2 mein ending value hogi. Kiski? Even numbers, integers ki series ki. So, is algorithm ko start karne ke liye, again step 1 mein hum kya karenge? We have to start the algorithm. Algorithm start ho gaya. In step 2, input numbers n1 and 2. n1 mein starting value de deni hai aur n2 mein ending value de deni hai. And in step 3, ab humne kya karna hai, condition ko check karna hai, n1 is less than n2 or not. For example, n1 is equal to 4 and n2 is equal to 12. So now check the condition. N1 is less than N2. N1 is less than N2. 4 is less than 12. Yes, condition is true. Then kya karne? Move to step 4. Agar ye condition false ho jati hai, then step 4, 5, 6 execute. Nahi honge, loop yahi pe end ho jayega. So, 4 is less than 12. Yes, condition is true. Step number 4 mein kya hoga? 4 more 2 equal to 0, then output 10, 1. Means, अगर 4 का मोड 0 के इक्वल आ जाता है, तो उसको डिस्प्ले करवा दो. Yes, ये 0 के इक्वल आएगा, और फिर 4 वैल्यू आउटपुट हो जाएगी. और उसके बाद क्या होगा, and 1 की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है. अब 4 क्या बन जाएगा, 5. And after this move to step 6, step 6 में क्या है, go to step 3, यानी step 3 पे चले जाओ. Step 3 में क्या है, again condition check होगी. अब हमारे पास N1 के अंदर क्या store है, 5. 5 is less than N2. Is 5 is less than 12? Yes, condition is true. Again take the mod of 5. If this is equal to 0, then output. Otherwise move towards step 5. जब तक N2 greater रहेगा, loop चलता रहेगा. जैसे ही N2 less than हो गया N1 से, वहीं पे condition stop हो जाएगी और series end हो जाएगी.
सो ये स्टेप 3, 4, 5, 6 एज अ लूप यहाँ पे काम कर रहे हैं. कर्ली ब्रैकेट्स इसीलिए यूज़ की गई हैं, ये शो करने के लिए लूप है और तब तक चलता जाएगा जब तक इफ की कंडीशन ट्रू रहेगी. इफ की कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी साइकिल वहीं पे रुक जाएगा. और स्टेप 7 में क्या कर दिया, एंड ऑफ द एल्गोरिदम. सो यहाँ पे एल्गोरिदम की एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.